मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज एक फिर एक नई खबर के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। आज की हमारी खास खबर ये है, क्राइम पी है तो उनके पिताजी का इंतकाल होने की वजह से नासिक में है। मैं मुजावर साहब से मैंने मुलाकात की, उनको मैंने एक निवेदन दिया है हमने कांग्रेस की तरफ से मेरे लेटर हेड पर, कि जो हमारे कार्यकर्ता है, हमारा जो लड़का है जीशान खान, उस पर जो ये हुआ है, अटैक हुआ है, उसके मामले में हमने उनसे भेंट ली और उन्होंने हमें आश्वासित किया है कि हम गुना दाखिल करेंगे करके। उस दिन एनसी ली थी और उसके साथ हमने ये भी बात छेड़ी है कि यहाँ पे मुमरा और कौसा में सारा ड्रग माफिया चल रहा है यहाँ पे, और वो जो लड़का था वो भी ड्रग एडिक्ट है लड़का, और वो सराहित गुनहगार है। तो ये जो ड्रग का जो माफिया चल रहा है, रैकेट चल रहा है, उसके बारे में आप लोगों ने यहाँ पे इंक्वायरी बिठानी चाहिए। आप लोगों ने यहाँ पे एक एक्शन प्लान करके यहाँ पे आपने ड्राइव लेना चाहिए, और कांग्रेस आपके साथ है और आपको जो कुछ मदद लगेगी होम मिनिस्ट्री से या फिर एंटी नारकोटिक सेल से हम देने को तैयार है। तो गुने के बारे में हमने कहा, उन्होंने आश्वासित किया, क्योंकि हमने हमारे लेटर में लिखा था आपने अगर नहीं किया तो हम कोर्ट में जाएंगे। 1463 के प्राइवेट क्रेज दाखिल करके हमारे जिया भाई है, एडवोकेट जिया भाई क्रिमिनल लॉयर है, जनरल सेक्रेटरी है, दाखिल करेंगे। तो वो बोले नहीं, वो ज़रूरत नहीं, हम गुना दाखिल कर रहे हैं नंबर एक, क्योंकि वो हत्या का प्रयास किया गया है 307 326 जो कुछ भी लगेगी वो। और दूसरा हमने कहा, अगर आपने ये ड्राइव नहीं निकाला, यहाँ पे मैंने सुना बहुत पॉलिटिकल लीडर्स भी इसमें इन्वॉल्व है, यहाँ पे ड्रग इसमें मुझे कार्यकर्ता लोगों ने जैसे बताया, अभी तक मुझे पूरी जानकारी नहीं है लेकिन है उसमें कह रहे हैं, और पब्लिक काफ़ी तकलीफ़ में है, यहाँ की मुमरा की पब्लिक, कौसा की पब्लिक, खास करके माँ बहनें जो है वो तकलीफ़ में है, वो डर के वातावरण में यहाँ पे जीते हैं सभी। ये जो बच्चे लोग को नशे का ये लगाते हैं, ये लोग आदत लगाते हैं, वो उनके माएँ भी तकलीफ़ में, उनके पेरेंट्स तकलीफ़ में। तो हमने कहा अगर आपने ये ड्राइव नहीं छेड़ी इन 15 दिन में तो कांग्रेस रास्ते पर उतरेगी और निदर्शन करेगी। ठीक का काम है, अभियान होता है। एक तो मैं अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से यहाँ के पब्लिक को कि ये जो नशा है, अपने बच्चों को संभाल के रखिए यहाँ पे, और जो नशे वाले लोग हैं उनके बारे में अभी जो कुछ गाइडलाइंस है कि बाबा उनको नशाबंदी करने के लिए उनको क्या ये देना चाहिए, काउंसलिंग करना चाहिए या क्या करना चाहिए, वो हम एक विविध स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से या संगठनों के माध्यम से हम उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन जो लॉ ऑर्डर का सिचुएशन है, जहाँ पे लॉ ऑर्डर का काम होता है, वो हमने पुलिस पर सौंप दिया है, वहाँ पे हम उनके साथ हैं। हमारे कार्यकर्ता बताएंगे यहाँ पे कि कहाँ कहाँ ड्रग्स बेचा जाता है, कौन से माफिया इसमें इन्वॉल्व है, कौन से नेता इसमें इन्वॉल्व है, बिल्डर्स लोग कौन से इन्वॉल्व है, कौन से होटल वाले इन्वॉल्व है, बहुत सारे नाम मेरे पास है, गुलदस्ते में है, मैं ओपन नहीं करना चाहता क्योंकि क्या है फिर कार्रवाई, पुलिस की कार्रवाई पर ये होगा, असर होगा। ये नाम पूरे मैं एंटी नारकोटिक सेल को और पूरे जैसा सुशांत सिंह राजपूत की केस जहाँ जिस तरीके से हैंडल की गई एंटी नारकोटिक सेल से, उसी एंटी नारकोटिक सेल्स के माध्यम से मैं यहाँ पे एक पूरा ड्राइव, यहाँ पे एक ब्यूरो क्या बोलते हैं सर्वे करने लगाऊंगा, और जो कोई भी है उसमें इस पर कंट्रोल लाने की हम पूरी तरह कोशिश करेंगे। इसके पहले क्या हुआ उससे हमको कुछ लेना देना नहीं, लेकिन क्या है हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता या हमने इधर आश्वासित दिया तो हम बिकाऊ तो है नहीं और पीछे हटेंगे नहीं। आपने जैसे कहा कि हम यहाँ पे कांग्रेस बढ़ाने की कोशिश करें, कंसिस्टेंसी दिख रही है, तो इसके बारे में भी हम कंसे और हम देखेंगे कि आगे चल के आगे समय में ये 2-4-6 महीने में कांग्रेस ये कौसा मुमरा और कलवा ये पूरा ड्रग्स मुक्त हो जाए, इसकी हम पूरी कोशिश करें। आप मीडिया है, आप मेरा स्टेटमेंट लेंगे बराबर है, लेकिन जो एविडेंस के बगैर किसी पर अपन आरोप करना, मुझे कुछ बातें मालूम पड़ी है लेकिन जब तक मेरे पास एविडेंस नहीं आता, जिस दिन एविडेंस आएगा मैं आपके सामने उनका पर्दाफाश करूंगा कि यस ये आदमी इन्वॉल्व था। बीच में आपको मालूम है कौन सा प्रकरण था वो ड्रग्स का, कुमिल मर्चेंट, हाँ उसमें भी मर्चेंट के इसमें भी बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट्स हुए हैं, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते, फिर वो कैसे प्रकरण दबाया गया, तो एक्चुअली वो ही उस वक्त परस्यू करते थे एंटी नारकोटिक सेल, तो अच्छी तरीके से ये पूरा नारकोटिक्स का जो है क्या बोलते हैं रैकेट बाहर निकलता था। आप यहाँ पे मुमरा पुलिस स्टेशन में, तो इसकी आपने थाना पुलिस कमिश्नर से शिकायत इसको लेकर आप पहले नहीं, पहले मुमरा पुलिस स्टेशन में आए हम, हमने ऑलरेडी कॉपी किधर है मेरी,
हमने ऑलरेडी कॉपी किधर है मेरी? हाँ, मैंने मुमरा पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को दिया है, इसकी कॉपी देखिए। सीसी मैं देने जा रहा हूँ, सीसी रहेगी एक पुलिस कमिश्नर साहब को होगी, एक एडिशनल कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर क्राइम को देंगे हम, और लास्ट कॉपी जो है वो हम डीसीपी जो एंटी नारकोटिक सेल है एसीपी उनको देंगे, और ये आगे चल के हम बम्बई में भी जा रहे हैं, सतीश पाटिल जी से मिलेंगे और उनको बोलेंगे सख्त इस पर इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाए। हाँ, कांग्रेस रास्ते पर उतरेगी, अभी कांग्रेस सीख रही है ना, यहाँ पे कांग्रेस तो पहले से ही रास्ते पर थी। हाँ, अभी सही तरीके से रास्ते पर आएगी और लोगों को भी रास्ते पर लाएंगी, बराबर है कि नहीं? हम तो डूबेंगे सनम, ड्रग्स वालों को लेके डूबेंगे। ये मुहिम आपकी मुमरा मुक्त होने तक जारी रहेगी? 100% मैं अध्यक्ष हूँ यहाँ पे, और मैं देखूंगा कि मुमरा वासियों को मेरे तरफ से न्याय मिले, कांग्रेस की तरफ से न्याय मिले। हाँ, मेरे कार्यकर्ताओं की तरफ से न्याय मिले। विक्रांत चौहान, ये उसकी एमएनसी है जिसमें क्लियर कट लिखा है, एमएनसी में शार्प वेपन से अटैक किया गया है, जानलेवा हमला है, तो हमने गुजारिश की है 307 दाखिल करे। लेकिन जब इस मामले को लेकर पुलिस स्टेशन आए थे तो मामला दर्ज नहीं किया गया? हाँ, एनसी की गई थी, इसलिए तो मैं आया हूँ ना, मैं एक दिन के लिए बाहर था इसलिए मैं आया हूँ। हाँ, नहीं तो अनशन पर बैठ जाऊँगा। हाँ, मैं बैठा हुआ था वहाँ पर और वो इतना नशे में आया हुआ था, और ये पहली बार नहीं है, वो मेरी बिल्डिंग में रहता है, उसका नाम अकबर वजीर खान है, और इसके पहले भी वो बहुत बार ऐसा कर चुका है, मगर हर बार उसके घर वाले जो है उसको बचा कर लेकर आ जाते हैं। आया नशे में और इतना था कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, और जितने बच्चे थे सबको गालियाँ दिया, सबको बैट से मारा, एक को तो एक बच्चा है यहीं पर मौजूद है, उसके तो सर पे बैट उठाया मारने के लिए, उसका वीडियो भी है मेरे पास, अगर वो मार दिया होता तो बच्चे को कुछ भी हो सकता था उस वक्त, यानी मर भी सकता था, इतनी ज़ोर से बैट उठाया। फिर उसके बाद में कम से कम 6-7 फिर लेडीज़ों को गाली दिया, उनको मारा, 2 लेडीज़ है उसमें, एक का गला पकड़ लिया, एक का हाथ मोड़ दिया। उस दिन लेडीज़ भी आए थे स्टेटमेंट देने, मगर उनका भी स्टेटमेंट नहीं लिया गया, जबकि वो बेचारे बोल भी रहे हमारे साथ भी गया, हमारा स्टेटमेंट लो, हमारी कंप्लेंट लो, उनको 3 बार वापस भेज दिया। फिर मेरे पास आया, जब मैं बीच बचाव में गया तो मेरे को भी गाली दिया, उसके बाद में इधर से चाकू निकालने लगा साइड से, और उसके जो अब्बा थे डैडी थे उसके बाजू में खड़े, और ये बच्चे भी सब खड़े थे, सब बोले नशे में इतना नहीं करेगा, चाकू निकालने लगा, मतलब क्या दिखा रहा है, चाकू दिखा रहा है, इतने में चाकू निकाल के सीधा यहाँ पे मारना चालू कर दिया। बस नसीब ये है कि ऐसा मारा और ऐसा नहीं मारा, अगर ऐसा मार दिया होता तो यही सीना भी नज़दीक था, लीवर और ये हार्ट पे कहीं भी लग सकता था, यानी सीधा जान पे बात आ सकती थी। उतना होने के बाद फिर आगे गया, मारने के बाद भी, फिर वहाँ जाने के बाद में फिर जब लेडीज़ लोग जिनके बच्चों को गाली दिया था और मारा था, वो जब बचाने आए, मेरे डैडी भी आए, उनको भी देखो यहाँ लगा हुआ है आँख के पास, यानी कुछ देख ही नहीं रहा, होश में नहीं, और वो भी अकबर वजीर खान। और ऐसा है कि ये पहला केस नहीं है, मैं सर को ये भी बोला, सर आपके पास रिकॉर्ड होगा, आप उसका नाम डालिए, कम से कम 20-25 केस है उसके ऊपर पहले भी, और यही होता है हर बार वो ऐसा करता है, 10-15 दिन गायब कर देते घर वाले, अभी भी वो गायब है, उस दिन से अभी तलक के ना कोई पुलिस आई है घर पे उसको ढूंढने के लिए, जबकि मैंने बोला भी कि सर देखो ऐसा है, अभी एक बार मारा है और वो नशेड़ा आदमी है, और मैं तो बाहर आ रहा जा रहा हूँ, कभी मेरे को वापस से पीछे से या कहीं भी गली कूचे में कहीं भी मेरे को मार दे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, एक बार मैं बच गया, अभी समझो वापस से ऐसा मार देवे कि मेरा मैं ख़त्म हो जाऊँ या मैं मर जाऊँ, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ना कोई एक पुलिस आ रही है उसको ढूंढने के लिए, ना घर पर, ना इंक्वायरी करने। ऐसा अगर एक छोटा सा कोई मोबाइल चोरी का इसका केस होता है तो पुलिस 10 बार घर पर आती है कि हम फिर आएंगे 2 घंटे बाद, उसको बुला के रखो, नहीं तो घर का एक आदमी भेजो, जब तक वो आएगा नहीं हम इसको छोड़ेंगे नहीं, उसने जुर्म किया है, मगर इस बंदे के लिए कोई एक्शन नहीं। और उसका जो बड़ा भाई है जो फिरोज़ खान करके है, वो अपने आप को सोशल वर्कर बताता है सब जगह, और ये मैंने हमेशा देखा है कि उसका भाई जो है सबसे पहला वो सारे जगत में फैला था, नशा ऐसा है, नशा गलत है, बच्चों को नशे से बचाओ, ये करो, और जब भाई पे बात आती है तो सबसे पहले वही आता है उसको सेफ करने के लिए, और अभी भी भगाने वाले भी वही है घर वाले, और उसके उसको सपोर्ट करने के लिए भी उनके घर वाले ही खड़े हैं। और सबसे मेन चीज़ मेरे को बुरा ये लगा, जब ये मैटर हुआ, जब मैं यहाँ से वापस गया बिल्डिंग में, तो उनके जो माँ बाप थे वो बिल्डिंग के नीचे खड़े थे और काफ़ी लोग खड़े थे वहाँ पर, तो जब ये ऐसी बातें हो रही थी कि क्या हुआ क्यों हुआ, तो बोला गया कि भाई वो नशा करके आया और नशा करके सबको गालियाँ दे रहा था, मार रहा था, लेडीज़ों को मार रहा था, बच्चों को मार रहा था, तो बोले हाँ नशा करता है, बोले किसी के बाप के पैसे से नहीं करता। तो अगर ऐसी तालीम माँ बाप की अगर अपने बच्चों के लिए होगी तो सीधी बात है, तो बच्चा फिर कहाँ से सही होगा।
इसी तरह की और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। रणभूमि न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे।